धर्म में कैलाश पर्वत को महादेव का घर माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती यहाँ विराजित हैं। इस पर्वत की जितनी धार्मिक महत्वता है, यह उतना ही रहस्यमय भी है। हमारी पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों ध्रुवों के मध्य में है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि। यह आकाश और धरती के मध्य का बिंदु है जहां सभी दिशाएं मिल जाती हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। परंतु माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी अजेय है। अनेक प्रयासों के पश्चात भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया था कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मेरे मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश वर्ष 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। समस्त संसार में कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थान माना गया है, इसलिए इस पर्वत की चढ़ाई पर रोक लगा दी गई। इस प्रतिबद्धता का एक कारण यति मानव भी हैं। जी सही सुना आपने, यति मानव, जिन्हें लोग कल्पना में ही जीवित मानते हैं। कहते हैं कि यति मानव कैलाश पर्वत पर मिलते हैं। कुछ लोग इन्हें जंगली मानव भी कहते हैं, तो कुछ लोग हिम मानव। यति मानवों को लेकर सबके मन में एक धारणा है कि ये जीवित व्यक्ति को मारकर खा जाते हैं। अब इस तथ्य में कितना सत्य है, कितनी मिथ्या, यह प्रमाणित नहीं है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यति मानव मात्र कैलाश पर्वत की रक्षा करते हैं। कैलाश पर्वत वहाँ स्थित सरोवरों के लिए भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्यतः दो सरोवर हैं। पहला मानसरोवर, जिसका आकार सूर्य के समान है और जिसे शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक माना जाता है। दूसरी राक्षस नामक झील है, जो चंद्र के आकार की है। यह झील खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है। ये दोनों सरोवर सूर्य और चंद्रमा को प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। यही कारण है कि मानसरोवर झील के दर्शन के लिए लोगों का गढ़ आता है, परंतु राक्षस झील के पास भी कोई नहीं जाता। राक्षस ताल के बारे में यह आस्था है कि यह रावण से संबंधित है। कहते हैं कि इस ताल के तट पर रावण ने महादेव की आराधना की थी, जिस कारणवश इसे रावण ताल भी कहते हैं। जहाँ मानसरोवर का पानी मीठा है, वहाँ राक्षस ताल का खारा है। कहते हैं कि मानसरोवर झील के निकट जाने पर डमरू या ओम की ध्वनि आती रहती है। वैज्ञानिक मतों के अनुसार यह बर्फ के पिघलने की आवाज़ होती है, और लोगों की माने तो इन झीलों का निर्माण भी आज तक एक रहस्य है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर समय अत्यंत शीघ्रता से बढ़ता है। इस पर्वत की चढ़ाई करने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर चढ़ाई करते समय उन्हें यह आभास हो रहा था कि उनके नाखून, बाल, यहाँ तक कि आयु भी तेजी से बढ़ रही थी। इस तथ्य का वैज्ञानिक कारण क्या है, यह आज तक कोई नहीं जानता। कैलाश पर्वत की चार दिशाओं में चार नदियों का उद्गम होता है, जिनका नाम ब्रह्मपुत्र, सतलज, करनाली और सिंधु है। कैलाश की चार दिशाओं में चार जानवरों के मुख हैं। पश्चिम में हाथी का, पूरब में अश्व का, उत्तर में सिंह का, तो वहीं दक्षिण में मोर का। एक तथ्य यह भी है कि कभी कभी कैलाश पर्वत पर सात रंगों की रोशनियां चमकती हुई दिखती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं यह चुंबकीय बल के कारण होता है, परंतु वास्तविकता क्या है, यह आज भी अज्ञात है। तो ये थी कैलाश पर्वत के रहस्यों की कहानी। सब्सक्राइब करिए भारत माता चैनल और जानिए ऐसे धार्मिक स्थलों के रहस्यों के बारे में।